RM Social Media News Channel. 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 Channel. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएम सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल। मैं हूं रुखसाना अमीन। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अमीन मुगल डिप्टी न्यूज़ डायरेक्टर सियालकोट की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। मारूफ शायर, ड्रामा निगार, कालम निगार अमजद इस्लाम अमजद 79 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से लाहौर में इंतकाल कर गए। सरकारी टीवी चैनल की जानिब से ट्विटर पर मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल होने की तस्दीक की गई। अमजद इस्लाम अमजद का शुमार उर्दू के बेहतरीन उस्तादों में होता है। इनके काम के लिए उन्हें बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड से भी नवाजा गया। अमजद इस्लाम अमजद को 23 दिसंबर 2019 को तुर्की के आला सकाफती एजाज नजीब फाजिल इंटरनेशनल कल्चर एंड आर्ट अवार्ड से भी नवाजा गया। 80 की दहाई में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। इसके अलावा पीटीवी अवार्ड और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने सन 1967 में पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में मास्टर्स करने के बाद एक उस्ताद की हैसियत से दर्स व तदरीस का आगाज लाहौर ही के MA कॉलेज से किया। 1975 से लेकर 1979 तक वो पाकिस्तान टेलीविजन से बतौर डायरेक्टर वाबस्ता रहे। वो उर्दू साइंस बोर्ड और चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स समेत मुतअद्दिद सरकारी इदारों में सरकर्दा औहदों पर जिम्मेदारियां निभाते रहे। रेडियो पाकिस्तान से बतौर ड्रामा निगार चंद साल वाबस्ता रहने के बाद अमजद इस्लाम अमजद ने पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन के लिए कई सीरीज लिखी, जिनमें वारिस के साथ साथ दहलीज, समंदर, रात, वक्त और अपने लोग भी शामिल हैं। आज के लिए इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहिए आरएम सोशल मीडिया न्यूज चैनल। आरएम सोशल मीडिया न्यूज चैनल। आरएम सोशल मीडिया न्यूज चैनल। RM Social Media News Channel. 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 Channel.